रहा है। ओ अच्छा तू है, मुझे तो लगा तकिया है, पूरा दिन पड़ी रहती है, पता ही नहीं इंसान कौन है तकिया कौन है। गुस्सा आ रहा है मेरे को भी आ रहा है, बचपन से आ रहा है तेरे ऊपर, क्या करूं? ए, चल चल मेरे लिए भी चल। क्यों तू नुल्ला है, हाथ पैर नहीं है, चल बढ़िया से। मम्मी कुत्ता भौंक रहा है। तुम दोनों के लिए इस घर में रहना मुश्किल हो गया है, अभी गिर जाता तो। पर गिरा तो नहीं ना। ये सब लेकर क्या करेगी? देख मैं तो पैसा नहीं कमाती हूँ, इसलिए मैं भाई को राखी बना के पहनाऊंगी। बाप रे इतना प्यार, वो तो ठीक है पर बनाएगी कैसे इससे? पर आप लोग को भी देखना है ना, सामने जो राखी है तो वीडियो को लाइक कर दो और नए दोस्त सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। राखी बनाने के लिए सबसे पहले तो पेपर का ऐसा छोटा टुकड़ा लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे ग्लू, और ग्लू के ऊपर लगाएंगे एक स्टोन। अब स्टोन की चारों ओर हम लगाएंगे ग्लू और लंबा लंबा स्टोन को एक एक करके चिपकाते जाएंगे, मतलब एक फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बन जाने के बाद फ्लावर के ऊपर हम अगेन ग्लू लगाएंगे और एक गोल्डन कलर के मोती की चेन को ऐसे राउंड करके चिपका देंगे और फिर फ्लावर के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। अब इसको येलो पेपर के ऊपर ग्लू की मदद से चिपका देंगे और इसके अकॉर्डिंग एक स्टोन के चेन को ऐसे ग्लू की मदद से लगा देंगे। अभी प्लास्टिक का टुकड़ा लेकर आएंगे और इसके ऊपर लगाएंगे ग्लू और ये जो हमने बनाए थे ना इसको हम अगेन चिपका देंगे और इसके साइड में हम ग्लू लगाएंगे। पहले दो बड़ा स्टोन लगाएंगे और मिडिल में एक रेड कलर के स्टोन लगाएंगे। बस इस तरह से पूरे एक राउंड कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे हम हॉट ग्लू लगाएंगे और छोटा सा गोल्डन कलर का रिंग को इस तरीके से चिपका देंगे। इस साइड में भी करना है और उस साइड में भी करना है और चारों ओर जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक है ना उसे हम कट कर देंगे और इस रिंग के अंदर से सुई को ऐसे डाल देंगे और फिर एक नॉट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे डेकोरेशन करने के लिए तीन कलर का तीन मोती डाल देंगे। बस हो गया, सेम तरीके से दूसरे साइड में भी कर लो। तो बस भाई DIY राखी मेकिंग तो हमारा रेडी है। देखो गाइस मॉनसून तो आ गया और मॉनसून में आपको तो पता ही है कि बारिश के मजे के साथ साथ हम लड़कियों को कई सारे प्रॉब्लम्स झेलना पड़ता है, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम्स। हाँ गाइस मॉनसून में हमारी स्किन बहुत ज्यादा डल एंड रफ हो जाता है, इसलिए मॉनसून में स्पेशल स्किन केयर करना पड़ता है, जिसके लिए मेरे पास है गुड वाइब्स की कुछ स्पेशल मॉनसून स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो मेरा पहला प्रोडक्ट है गुड वाइब्स ग्रीन टी प्यूरिफाइंग फेस वॉश। मॉनसून में डेली फेस वॉश से फेस क्लीन करना बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए मैं यूज करती हूँ गुड वाइब्स ग्रीन टी प्यूरिफाइंग फेस वॉश। सिंपली फेस को वेट करके थोड़ा सा फेस वॉश अपने हाथों में लेकर फेस पर मसाज करके ऐसे क्लीन कर लो और धो लो। ग्रीन टी में है एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, ये आपकी स्किन को रिवाइटलाइजेस एंड सूदेस करता है। फेस वॉश करने के बाद मैं यूज करती हूँ गुड वाइब्स का क्यूकम्बर ग्लो टोनर। फेस को पैट ड्राई करके ऐसे इस टोनर को अपने फेस एंड नेक एरिया पे डायरेक्टली स्प्रे करो और ऐसे लाइटली पैट पैट कर लो। इसमें है स्किन सूदिंग प्रॉपर्टीज जो हमारी स्किन को सूदिंग करता है और पीएच बैलेंस को सही रखता है। देन मैं यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स रोजी रेडिएंट ग्लो फेस सीरम। ये सीरम विटामिन एंड बायो एक्टिव से लोडेड है जो स्किन पे ग्लो रिस्टोर करने में हेल्प करता है। आफ्टर दैट मैं अपने फेस पे यूज करती हूँ गुड वाइब्स सैफ्रन डे क्रीम। सैफ्रन ब्लेमिशेस एंड डार्क स्पॉट को फेड करने में हेल्प करता है और स्किन पर एक रेडिएंट ग्लो देता है। ये स्किन को डीपली मॉइस्चराइज भी करता है। ये सारे प्रोडक्ट आपको purple.com पे इजीली मिल जाएगा। गाइस पर्पल पर आई हर्ट ब्यूटी सेल रेन डांस पार्टी एडिशन चल रहा है फ्रॉम 3rd टू 10th अगस्त, जहां पर आपको मिल जाएगा 50% ऑफ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक इट नाउ। अरे मम्मी आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, पता नहीं मैं कैसे रहूंगा और ऊपर से एसी भी नहीं है। मम्मी छोटी कहाँ पर है? अरे वो तो कॉलेज गई है, आ जाएगी अभी भी। लो आ ही गई। अरे दीदी कैसी है, कितने दिनों बाद आई है तू? घर चला है और फीस पे ना खर्च हुआ। अब इसको क्या हो गया? अच्छा सुनना, आज तो राखी है, तेरा भाई तो पढ़ाई के लिए बाहर गए हुए हैं, तो इस बार ना तेरा जीजा को ही राखी पहना दे। क्या जीजू के लिए राखी? पर मम्मा राखी तो नहीं है, महंगी राखी कहाँ मिलेगा मुझे? हाँ मेरे सिलाई की बॉक्स में है, उसे लेकर बना ले। वाओ मम्मा गुड आइडिया। पहले तो सुई के अंदर एक छोटा सा मोती डालेंगे, इस तरीके से मोतियाँ डालते जाए, इसी तरह से कुछ मोतियों का चेन और बना लेंगे। अब ले लो इस तरीके का पुराना इयररिंग और ऐसे ग्लिटरी रिबन लेकर इसे कवर कर लो। कवर करने के बाद सुई धागे की मदद से मोतियों को एक एक करके इसके पीछे सिक्योर करते जाएंगे। अब दोनों थ्रेड को अलग करके एक एक थ्रेड में एक मोती और एक स्टोन की रिंग ऐसे डालते जाएंगे। अब जहां हमने मोतियां लगाए थे ना उसके ऊपर गोल्डन कलर के छोटे छोटे मोती को ऐड करते जाएंगे। बस ये तो
रेडी है। अब हम अगेन मोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा लेकर आएंगे और उसके ऊपर लगा देंगे ग्लू। फिर इसके ऊपर बड़ा सा स्टोन लगा देंगे और कुछ बड़ा सा स्टोन को ऐसे फ्लावर शेप में ऐड करते जाएंगे और लंबा लंबा ये जो स्टोन है इसे लगाते जाएंगे। स्टोन की फ्लावर तो एकदम रेडी है। अब इसे लेकर यहाँ पे जो गैप है ग्लू गन की मदद से सिक्योर कर देंगे। अब पहले जो मोतियों का चेन हमने बनाए थे ना उसको एक साथ ऐसे पकड़ेंगे, फिर सुई धागे की मदद से एक टोपी लेकर आएंगे और हमने जो बड़ा वाला बनाया था ना उसके साथ इसको ऐसे सिक्योर कर देंगे और फिर इसके अंदर एक एक करके मोती और स्टोन के रिंग इंसर्ट करते जाएंगे। देखो बिल्कुल ऐसे, और सेम तरीके से दूसरे पार्ट में भी कर लो। बस तैयार है हमारा DIY क्यूट राखी। हाँ भाई एकदम एकदम, कल प्रैक्टिस करेंगे। हाँ भाई ये पता है मेरा भाई आ रहा है, फाइनल ईयर से छुट्टी मिला है। अच्छा बाहर निकल के ये गुल खिलाते हो? इस बार तो राखी में तो स्पेशल करना है। हाँ जरूर, क्यों नहीं। वो देख मेरा हरामी भाई कैसे घूम रहा है। सुन ना, चल बाय, मम्मी को बता दे। तुम दोनों एक साथ क्यों खड़े हो? अंदर आ। साथ में वो लड़का कौन था? लड़का कौन? लड़का झूठ मत बोल। मम्मा मैंने देखा वो लड़का छोड़ के गया। अरे नहीं मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, इसके बाद मत सुनो। तो वो क्या झूठ बोलेगा? मम्मी वो मेरी फ्रेंड है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कॉल कर। अब मजा कर। हेलो सुनना, तू क्या मेरे घर आ सकती है? अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी। अरे एक्चुअली तो राखी है ना, इसे डिस्कस करना था। सुना तू बोल रही थी कि कुछ स्पेशल करेगी? हाँ क्यों, थाली देखो, कुछ आइडिया। सबसे पहले तो ऐसे नॉर्मली थाली ले लो और रेड कलर से पेंट कर दो। पेंट जब ड्राई हो जाए तब इसके ऊपर लगा दो ग्लू। ग्लू के ऊपर एक एक करके मोती लगाते जाओ। व्हाइट मोती लगाते हुए ऐसा एक राउंड पूरा कंप्लीट करना है और फिर से हम लगाएंगे थाली में ग्लू और इस तरीके का स्टोन की चेन को एक राउंड कंप्लीट करेंगे। अब थाली की यहाँ पे हम अगेन ग्लू लगाएंगे और गोल्डन कलर के स्टोन को यहाँ पे चिपका देंगे और इसके साइड में से बड़ा बड़ा नीला कलर के स्टोन को ऐसे लगाते जाएंगे। बस सेम फ्लावर एक राउंड पूरा कंप्लीट करना है। ये देखो बिल्कुल ऐसे। अब थाली के एकदम सेंटर में अगेन हम ग्लू लगाएंगे। अब स्टोन की मदद से एक और फ्लावर बनाएंगे। तो फ्रंट वाला डिजाइन तो कंप्लीट। अब हम थाली को ऐसे उल्टा कर देंगे। अब थाली की ये जो साइड वाला पार्ट है यहाँ पे हम हॉट ग्लू लगाएंगे और एक मोतियों की टासल से इस तरह से कवर करते जाएंगे और फाइनल लुक देख लो। राखी में अगर पॉकेट मनी थोड़ा कम है ना तो आप ऐसे DIY करके राखी बनाकर अपने भाइयों को पहना सकते हो। पर हमें भी तो कुछ चाहिए ना। बस ज्यादा कुछ नहीं, वीडियो को बस लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दो।